पैसा लगाया होता है। तो पहला स्टेप ये आप कोशिश ये करें कि अपने टॉप मैनेजमेंट बहुत अच्छी बनाए लेते हैं। दूसरा स्टेप ये बनाएं कि फंड जिनसे लेते हैं वो ऐसे लोगों से लें कि जिनके घर में खुद बीमारियाँ ना हों। तो अगर आप यहाँ वहाँ से सस्ते या आगे पीछे सस्ते बर्ड या सस्ते लोगों से बर्ड खरीदेंगे तो वो तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने भाइयों का बताया अब इनके पास बर्ड खराब है, इनके पास इनके बीमारियाँ नहीं होती, बर्ड हेल्दी रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, आप लोगों का फ़ायदा आ गया, आप लोग आगे उसके साथ चल सकते हैं ठीक तरह। और उसके बाद की जो कहानियाँ बातें हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आएंगे कि भाई हमने पेयरिंग कैसे करनी है, इनका किस तरह मेडिकल करना है, केयर कैसे करनी है। मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊँ कि पाकिस्तान में जैसे भाई नहीं होता, मेरे सबसे ज़्यादा बर्ड जाते हैं हर महीने 150, 200, 120, 130 बाहर से बर्ड आते हैं, लेकिन कभी एक बीमार नहीं होता, ना वो बीमार होगा और ना जो मेरे घर अपने ऑलरेडी पड़े ना वो बीमार होते हैं। ये सबसे बड़ी एक चीज़ है, इसको देखिए। ये चीज़ें होंगी ना आपके रेसिंग बर्ड्स खुद परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनको अच्छी सेहत मिलेंगी, हेल्दी होंगे। पर अब जैसे मोल्टिंग का सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट का सीज़न चल रहा है, तो इसमें अगर आप अपने बर्ड्स को रेस्ट दे रहे हैं, अच्छी फीड दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, नहलाई दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप देखें, इन चीज़ों की तरफ मत जाएँ कि कबूतर बीमार हो गया मैं इसकी दवाई क्या करूँ। कहते हैं ना कि इलाज से एहतियात बेहतर, तो वो एहतियात की तरफ आप लोग जाएँ तो माशाल्लाह से मेरे ही ख्याल के कोई भी भाई ऐसा पीछे रह जाएगा, सबके बर्ड्स परफॉर्म करेंगे क्योंकि सारे प्लेन एरिया हैं, पंजाब के प्लेन एरिया हैं, तो बर्ड बड़ा इजीली काम करता है। पहाड़ी इलाकों में उनको मुश्किल होती है, वहाँ पे इतने बड़े बर्ड भी काम नहीं करते, छोटे बर्ड चाहिए होते हैं, बहुत मुश्किल टफ रेस है। लेकिन ये पंजाब एरिया प्लेन